कंपनी की छोटी बेटी खुशी कपूर अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार वो अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से खबरों का हिस्सा बन गई है। दरअसल हाल ही में खुशी ने अपनी दोस्त और डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया की बर्थडे पार्टी की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिस पर कई नेगेटिव कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने उनकी फिगर और लुक्स को भी टारगेट किया। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स के जवाब में खुशी ने अपनी एक फोटो पोस्ट की और साथ ही लंबा मैसेज भी दिया। उन्होंने लिखा, मैं अपनी फोटोज इसलिए पोस्ट करती हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो कपड़ों और लुक्स की वजह से किसी के कैरेक्टर के बारे में फैसला करे। सलमान खान की शादी को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही है और हर बार उनकी रोमानियन गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर का ही नाम लिया जा रहा है। वो खान परिवार के अमूमन हर फंक्शन में मौजूद रहती हैं और उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में भी मौजूद थी। हालांकि सलमान ने कभी लूलिया से रिश्ते की बात स्वीकारी नहीं है। अब खबर है कि सलमान ने लूलिया को एक गाड़ी गिफ्ट की है। ग्रे रंग की ये गाड़ी सलमान ने अपने बर्थडे के बाद लूलिया के लिए खरीदी। लूलिया मीडिया से बचने के लिए आमतौर पर ऑटो रिक्शा से ही ट्रैवल करती हैं। फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी इस साल अपने 2016 कैलेंडर में कुछ अलग पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इस फोटोशूट का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा समेत 24 सेलेब्स ने फोटोशूट करवाया है। इस वीडियो में सेलेब्स अपने शूटिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करते नजर आ रहे हैं। बता दें, ये डब्बू का 17th कैलेंडर शूट है। 2016 कैलेंडर में इस बार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा कूल और स्टनिंग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। अपकमिंग अडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती ज्यादा में हॉट एक्ट्रेस सनी लियोन एक बार फिर अपने बोल्ड अवतार में नजर आएंगी। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें सनी बोल्ड अंदाज में कार धोती हुई नजर आएंगी। इस वीडियो में सनी ने जिस तरह से कार को धोया है वो बेहद आकर्षक है। इस फिल्म में सनी लियोन के साथ तुषार कपूर और वीर दास लीड रोल में है। खास बात तो ये है कि फिल्म में सनी डबल रोल में नजर आएंगी। इसमें एक है लीला लेले और दूसरी लेले लेले। मिलाप झावेरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 29 जनवरी को रिलीज होगी। बॉलीवुड के नए लव बर्ड्स आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अफेयर के चर्चे इन दिनों हर तरफ हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले मीडिया में ऐसी खबरें भी आई थी कि ये दोनों साथ ही रह रहे हैं, लेकिन बीती रात मुंबई में आयोजित डब्बू रत्नानी कैलेंडर लॉन्च के मौके पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो काफी दिलचस्प था। दरअसल यहाँ जैसे ही आलिया भट्ट पहुँची, सिद्धार्थ मल्होत्रा खुद को रोक नहीं पाए और झट से उन्हें गले लगा लिया। दोनों ऐसे मिले जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिले हों। वैसे दोनों एक साथ काफी क्यूट दिख रहे थे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।